हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, जिसपे हम चर्चा करने वाले हैं 1 से लेकर 10 फरवरी तक के छत्तीसगढ़ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। वैसे तो आज आपका 18 फरवरी है, आपका ऑलमोस्ट 20 फरवरी तक के आपको वीडियो मिल जाने चाहिए थे, लेकिन वीडियो आने में थोड़ा डिले हुआ है और जैसे देख रहे हैं कंटेंट बहुत सारे हैं, तो एक बार में 20 फरवरी तक के करंट अफेयर हम कवर नहीं कर सकते। आज आपका 1 से 10 फरवरी तक का वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, एक दो दिन में आपका 11 से 20 फरवरी तक के वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, सीजीपीएससी ई पाठशाला अपना एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ओपन कर रहा है, तो हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है सीजीपीएससी ई पाठशाला क्लासेस के नाम से, जिसकी एक न्यू बैच सीजीपीएससी प्री 2020 यानी जो 2021 में ऑर्गेनाइज होगी, सीजीपीएससी प्री 2020 को टारगेट करते हुए पीएससी प्री की एक नई बैच स्टार्ट कर रहे हैं 26 फरवरी यानी 26 फरवरी से एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम 3 to 4 डेज आपके डेमो क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। जिस किसी को भी अटेंड करना है तो नीचे आपको स्क्रीन पे आपको लोकेशन और कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर दिया गया है, कॉन्टैक्ट करके या इंस्टीट्यूट में विजिट करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। मेंस की बैच स्टार्ट करेंगे जो कि आपकी 2 मार्च से स्टार्ट होगी, लेकिन फिलहाल डेमो क्लास आपको 26 फेब से आपके इंस्टीट्यूट में यानी प्रियदर्शनी परिसर ईस्ट अंडर ब्रिज रोड सुपेला, यहां पे आपका इंस्टीट्यूट में आकर के आप फ्री डेमो क्लास ले सकते हैं। ठीक, चलिए देखिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा वीडियो देखिए, सबसे पहले नंबर पर है चर्चित स्थान। चर्चित स्थान में पहले नंबर पर है आपका प्रागैतिहासिक से नवपाषाणकालीन शैल चित्र। प्रागैतिहासिक काल, देखिए पाषाण काल, प्रागैतिहासिक से आपके नवपाषाणकालीन शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। कहाँ प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं आपके कोरबा जिले में। कोरबा जिले में आपके प्रागैतिहासिक काल से लेकर के नवपाषाणकालीन आपके शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, जो कि आपके 2500 से 10,000 साल पुराने हैं। 2500 से 10,000 साल पुराने शैल चित्र प्राप्त हुए हैं आपके कोरबा जिले में। ठीक, ये जो शैल चित्र है ये इनकी संख्या है 369। ठीक, 369 यानी 369 शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? कोरबा जिले में। कोरबा जिले से प्राप्त हुए हैं 369 शैल चित्र, इनकी संख्या है, इतने शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक, देखिए इन शैल चित्रों में कौन कौन से हैं? एक है खड़गधारी अश्वरोही। खड़गधारी अश्वरोही, खड़गधारी मतलब तलवारधारी, अश्वरोही, अश्व मतलब होता है घोड़ा यानी घुड़सवार, एक तलवार धारण करते हुए एक घुड़सवार का वहां पे चित्र बना हुआ है। अश्व मतलब घोड़ा, हिरण, मयूर, मुर्गी तथा शेर हाथ जोड़ी, यानी एक शेर है जिसके हाथों की जोड़ी है, उसका अंकन है वहां के शैल चित्र में। ठीक, तो शैल चित्र की संख्या कितनी है? संख्या इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 369 शैल चित्र कहां से प्राप्त हुए हैं? कोरबा जिले से कब तक के है? प्रागैतिहासिक काल से लेकर के नवपाषाणकालीन शैल चित्र है, जो कि 2000 से लेकर के 10,000 साल पुराने होने का दावा किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख है खड़गधारी अश्वरोही या तलवारधारी आपका घुड़सवार, अश्व, हिरण, मयूर, मुर्गी तथा शेर हाथ जोड़ी। देखिए इस 369 शैल चित्र में से सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं आपके गोल्हर गांव लिखाभाड़ा क्षेत्र कोरबा विकासखंड। कोरबा जिले के कोरबा विकासखंड के लिखाभाड़ा क्षेत्र में, जो कि गोल्हर गांव के अंतर्गत आता है, उसमें 173 शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। देखिए 369 में से 173 शैल चित्र यानी सर्वाधिक शैल चित्र जो प्राप्त हुए हैं वो इस गोल्हर गांव के लिखाभाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत, जो कि कोरबा विकास खंड के अंतर्गत आता है, वहां से प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके खोजकर्ता कौन है? इसके खोजकर्ता है आपके पुरातत्व वेदता, जिनका नाम है आपका हरि सिंह छत्री। हरि सिंह छत्री तथा उनके सहयोगी है पर्राराम। ठीक, हरि सिंह छत्री जो कि एक पुरातत्व वेदता है, यानी वहाँ के आपके जिला जो पुरातत्व प्रमुख है वो है आपके हरि सिंह छत्री और पर्रा राम, जो कि उनके सहयोगी है। ठीक, शैलाश्रय, ये है शैल चित्र, ये है शैलाश्रय। शैलाश्रय मतलब गुफा, शैल चित्र मतलब पत्थर के ऊपर उत्कीर्ण चित्र। ठीक, तो देखिए शैलाश्रय बोलिए या आपका रॉक शेल्टर बोलते हैं इसको। ठीक, शैलाश्रय, ये शैलाश्रय प्राप्त हुआ है आपका सोनारी ग्राम में, इसी कोरबा जिले के अंतर्गत, कोरबा जिले के अंतर्गत सोनारी ग्राम में धसकन टुकू, अरेतरा और हाथा बांडा पहाड़ी। ठीक, देखिए सोनारी ग्राम, धसकन टुकू, अरेतरा और हाथा मांडा पहाड़ी, यहाँ पे प्राप्त हुए हैं आपके शैलाश्रय यानी गुफा, जहाँ पे आपके आदि मानव रहा करते थे। देखिए इसमें ये जो सोनारी ग्राम का जो शैलाश्रय है, इसमें आपके शेर हाथ जोड़ी,
शेर हाथ जोड़ी, लगभग 30 के आसपास शेरों के हाथों के या उनके पंजों के निशान, शेर हाथ जोड़ी तथा जानवरों के समूह के चित्र, जानवरों के समूह के चित्र इन शैलाश्रयों में मिले हैं। इंपॉर्टेंट है लोकेशन याद रखिएगा, कौन कौन से शैल चित्र प्राप्त हुए ये याद रखिएगा, कितने शैल चित्र प्राप्त हुए ये याद रखिएगा, सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए ये याद रखिएगा, खोजकर्ता कौन है ये याद रखिएगा, सारे के सारे चीजें इंपॉर्टेंट है जितनी चीजें लिख रखी है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, समक्का सरलम्मा जात्रा महोत्सव, समक्का सरलम्मा जात्रा महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ होता है, इसका आयोजन होता है आपका मेड़ाराम, मेड़ाराम ग्राम वारंगल तेलंगाना, हमारे छत्तीसगढ़ का नहीं है ये, वारंगल तेलंगाना के अंतर्गत एक गांव है मेड़ाराम, मेड़ाराम में वहाँ के जनजाति कोया जनजाति, कोया जनजाति के द्वारा इस समक्का सरलम्मा जात्रा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ये जो यात्रा महोत्सव है, यात्रा मतलब यात्रा, ठीक, ये जो यात्रा महोत्सव है ये देव स्थान यानी समक्का सरलम्मा देवी के सम्मान में इस यात्रा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। देखिए, ये जो आपका मेड़ाराम ग्राम है ये वारंगल तेलंगाना में है, तो इस वारंगल तेलंगाना यानी जो हमारी छत्तीसगढ़ की सीमा जो आपकी तेलंगाना को स्पर्श करती है, तो उस क्षेत्र में भी जो आपकी छत्तीसगढ़ की सीमा जो तेलंगाना राज्य को स्पर्श करती है, वहां पे भी थोड़े बहुत आपके कोया जनजाति या कोया आदिवासी पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए हम ये जो आपके इस महोत्सव में कौन कौन भाग लेता है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में निवास करने वाली कोया जनजाति इस महोत्सव में हिस्सा लेती है। इसका आयोजन 2 साल में एक बार होता है, 2 साल में एक बार इस समक्का सरलम्मा महोत्सव का आयोजन होता है मेड़ाराम ग्राम में, किनके द्वारा, कोया जनजाति के द्वारा। ठीक, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि प्रदेश में छत्तीसगढ़ में कोया जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है, तो उसे आप जो तेलंगाना से जो सटा हुआ जो आपका जिला है, ठीक, या उस क्षेत्र में कोई भी एक आधी तहसील आता है तो उसके नाम को आप टिक कीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, प्रागैतिहासिक कालीन औजार एवं समाधि, प्रागैतिहासिक कालीन औजार एवं समाधि ये प्राप्त हुए हैं अभी हाल फिलहाल में जसपुर जिला में, जसपुर जिला में आपके प्रागैतिहासिक कालीन औजार एवं समाधि प्राप्त हुए हैं। देखिए, इसके जो साक्ष्य है, कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं इस जसपुर जिला से, शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं जो आदि मानव यूज करते थे, महापाषाणिक समाधि स्तंभ प्राप्त हुए हैं और आपके छाया स्तंभ प्राप्त हुए हैं। महापाषाणिक समाधि स्तंभ अभी हम देखेंगे आगे होता क्या है। ठीक, देखिए, ये जो महापाषाणिक समाधि स्तंभ है ये होता क्या है, जो आपके जो जशपुर जिला है ये एक्चुअली में उराव जनजाति बहुल क्षेत्र है, उराव जनजाति बहुल क्षेत्र है, तो आदि मानव से ही आदिवासी बने हैं। ठीक, आदि मानव से मानव बने हैं लेकिन आदि मानव से आदिवासी रिलेटेड है। तो ये जो उराव जनजाति बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे एक परंपरा है कि यदि किसी जनजाति के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे उसे गड्ढा खोद करके उसके शरीर को उस गड्ढे में डाल करके उसकी जरूरत की सारी चीजें, यानी उस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में जो जो महत्वपूर्ण चीजें अपनी यूज करी है, उसके दैनिक जीवन में जो सामग्री वह यूज करता था, वो सारी चीजें उसके साथ दफना दी जाती है। ठीक, और दफना करके उसके सिरहाने में मतलब सर तरफ सिरहाने में एक उसके याद में एक बहुत बड़ा सा पत्थर भी गाड़ दिया जाता है। ठीक, तो वो कहलाता है आपका महापाषाणिक समाधि। तो ये महापाषाणिक समाधि प्राप्त हुआ है आपके आरा से, बंगूर केला से और जय मरगा से, कहां कहां से, आरा बंगूर केला और जय मरगा। ठीक, देखिए, उराव जनजाति बहुल क्षेत्र है, ये जो आरा वाला क्षेत्र है, इस आरा वाला क्षेत्र में जो महापाषाणिक स्तंभ है, उस महापाषाणिक स्तंभ में जो आपके गड़े हुए जो पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर है जो उनके सिरहाने में उनके सिर के तरफ जो याद में उनके पत्थर गड़ाए जाते हैं, उसमें मानव की आकृति भी उत्कीर्ण है। ठीक, आपके महापाषाणिक स्तंभ इन सभी जगह से प्राप्त हुए हैं लेकिन स्पेशली आरा से जो आपके महापाषाणिक समाधि जो आपके वहां पे जो पत्थर गड़े हुए हैं उसके उस पत्थर में आपकी मानव आकृति भी उकेरी गई है। इंपॉर्टेंट है, लोकेशन याद रखिएगा। औजार प्राप्त हुए हैं कौन से, प्रागैतिहासिक कालीन औजार, कहां से, रानी दहा, लिखा आरा, मनोरा, बगीचा, पंच भैया, ठीक, दुलदुला, इन सभी जगह से आपके औजार प्राप्त हुए हैं, आदि मानव द्वारा यूज किए जाने वाले प्रागैतिहासिक कालीन औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक, रानी दहा, लिखा आरा, मनोरा, बगीचा, इस क्षेत्र के नदी नालों के अंतर्गत नदी नालों के किनारों पर बहुत सारे ऐसे पत्थर प्राप्त हुए हैं जो आदि मानव द्वारा यूज किए जाते थे। ठीक,
स्पेशली जो आपके पंच भैया जो क्षेत्र है जो रानीदाह के अंतर्गत आता है, यहाँ पे शिकार के लिए जो औजार यूज की जाती थी, शिकार के लिए जो पत्थर यूज किया जाता था वो प्राप्त हुए हैं। दुलदुला में दो गदा शीर्ष प्राप्त हुए। गदा शीर्ष मतलब जो हनुमान जी का जो अस्त्र है जो गदा, तो उस गदा शीर्ष जैसी कुछ एक आकृति प्राप्त हुई है पत्थर की, जिसे इंग्लिश में रिंग स्टोन कहा जाता है। कहां से प्राप्त हुआ है? प्रागैतिहासिक कालीन गदा शीर्ष रिंग स्टोन प्राप्त हुआ है आपके जसपुर जिला से। एक है आपके मेहिर का मतलब होता है एकाश्म पत्थर। मेहिर समाधि मतलब एकाश्म पत्थर। एकाश्म पत्थर का मतलब होता है एक बहुत बड़ा विशाल का पत्थर जिसे काट करके उसको अलंकृत किया जाता है, काट करके उसे सजाया जाता है। ठीक, ये जो आपके एकाश्म पत्थर के उदाहरण, आपको अशोक कालीन जो वो शिलालेख बनाता था वो एकाश्म पत्थर कहलाता था। एक बहुत बड़े शिलालेख या एक बहुत बड़े पत्थर को काट करके उसे सजाया जाता था और उसमें कुछ ना कुछ उत्कीर्ण किया जाता था, वो कहलाता था एकाश्म पत्थर। तो ये है आपके मेहिर समाधि प्राप्त हुई है आपके दुलदुला क्षेत्र में प्राप्त हुई है। रानी दुलदुला क्षेत्र के अंतर्गत जो आपके जसपुर जिला के जो दुलदुला क्षेत्र है उसके अंतर्गत प्राप्त हुआ है आपका एकाश्म पत्थर या मेहिर समाधि, जो कि 11 फीट ऊंचा पत्थर है। जैसे कि मैंने कहा, बहुत बड़े पत्थर को काट करके अलंकृत करके उसमें कुछ ना कुछ उत्कीर्ण किया जाता है। ठीक, तो ये 11 फीट ऊंचा जो समाधि है जिसे मेहिर समाधि या एकाश्म पत्थर समाधि कहा जाता है। नेक्स्ट है छाया स्तंभ। छाया स्तंभ से रिलेटेड ज्यादा जानकारी तो मिला नहीं। ये छाया स्तंभ समाधि है कि पूजा स्थान है, लेकिन वहां लिखा गया है कि ये ग्रामीणों का एक पूजा स्थान है। तो याद रखिएगा, ये जो छाया स्तंभ है ये प्राप्त हुआ है आपके बंगूर किला से, जो कि ग्रामीणों का प्रमुख पूजा स्थान है। वर्तमान में भी ग्रामीण इसे एक पूजा स्थान के रूप में यहां पर आकर के पूजा अर्चना करते हैं। ठीक, तो इन सभी चीजों को याद रखिएगा। प्रागैतिहासिक कालीन औजार एवं समाधि प्राप्त हुआ है आपके जसपुर जिला से, जिसके साक्ष्य मिला है शैलचित्र, पाषाणकालीन औजार, महापाषाणिक समाधि, छाया स्तंभ। ठीक, लोकेशन याद रखिएगा कहां कहां से क्या क्या प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ में चिन्हित पर्यटन स्थल। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के द्वारा छत्तीसगढ़ में 128 पर्यटन स्थलों को चिन्हित किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा प्रश्न पीएससी आजकल बहुत ज्यादा उठाता है। इससे पहले 117 थे, अभी 128 हो गए हैं। ठीक, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के द्वारा प्रदेश में कितने पर्यटन स्थलों को चिन्हित किया गया है? तो याद रखिएगा, 128 पर्यटन स्थलों को चिन्हित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बन सकता है। इन 128 पर्यटन स्थलों को चिन्हित करके वहां पर खान पान की व्यवस्था, वहां पर रहने की व्यवस्था, रेस्टोरेंट व्यवस्था, मोटल होटल आदि व्यवस्था जो छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल प्रोवाइड कराएगा, साथ ही साथ इसकी ऑनलाइन बुकिंग फैसिलिटी के लिए उसने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, प्रदेश का एकमात्र कीटनाशी प्रयोगशाला। प्रदेश का एकमात्र कीटनाशी प्रयोगशाला, ये अभी खुला नहीं है, काफी पहले से ये संचालित है, लेकिन हाल फिलहाल में न्यूज में थोड़ा हाईलाइट में था, बहुत लोगों को पता नहीं होगा इसलिए फिर से बता रहा हूं। देखिए, प्रदेश का एकमात्र कीटनाशी प्रयोगशाला कहां संचालित है? नया खुला नहीं है, बहुत पहले से संचालित है। प्रदेश का पहला कीटनाशी प्रयोगशाला ये संचालित है आपके ठेकला डीह, राजनांदगांव जिला के ठेकला डीह में प्रदेश का एकमात्र आपका कीटनाशी प्रयोगशाला संचालित है, जहां पे लगभग 19 प्रकार के कीटनाशकों का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है आपका गजपल्ला जलप्रपात स्थित है आपके गरियाबंद जिले में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऐसे छत्तीसगढ़ के भूगोल में ऐसे नए नए प्रश्न पूछा जाता है, तो गजपल्ला जलप्रपात मौजूद है आपके गरियाबंद जिले में। नेक्स्ट है नीली झील हमारे प्रदेश में एक नीली झील है, झील बना हुआ है, झील के बीचों बीच एक छोटा सा टापू है, काफ़ी आकर्षण का केंद्र है। ये मौजूद है आपका महादेव प्रकृति दर्शन केंद्र सतरेंगा कोरबा जिला के महादेव प्रकृति दर्शन केंद्र सतरेंगा में नीली झील एक आकर्षण का केंद्र है। नीली झील कहाँ है पूछा जाए तो याद रखिएगा, कोरबा जिले में। नेक्स्ट देखिए, अरपा पैरी के धार, नरेंद्र देव वर्मा द्वारा रचित जो आपकी ये जो गीत है अरपा पैरी के धार, इसे राजकीय गीत बनाए जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन इसकी जो वंदन अवधि है उसकी वंदन अवधि है लगभग 6.5 मिनट के आसपास। तो इतने लंबे समय तक जो है इसका वंदन अवधि, जो हमारा जो आपका राष्ट्रगान है वो भी लगभग आपके 52 सेकंड के आसपास का रहता, तो इसे इतना लंबा समय तक किसी भी राजकीय गीत में ना गाया जाए, इसके लिए इसकी जो अवधि है उसे सीमित की गई, 1 मिनट 15 सेकंड। जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो राजकीय गीत है अरपा पैरी के धार उसकी वंदन अवधि 6.5 मिनट से कम करके इसे 1 मिनट 15 सेकंड कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत अरपा पैरी के धार की वंदन अवधि कितनी है? 1 मिनट 15 सेकंड। ठीक,
नेक्स्ट देखिए, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन जिसका उद्देश्य है भारत को जल समृद्ध बनाना, केंद्र सरकार की यह एक योजना है जल जीवन मिशन जिसका उद्देश्य है भारत को जल समृद्ध बनाना। इसके अंतर्गत पूरे भारत भर में से राष्ट्रीय स्तर पर 100 जिलों को चिन्हित किया गया है। इन 100 जिले में पानी की समस्या से ग्रस्त है, ये जो 100 जिले है ये पानी की समस्या से ग्रस्त जिले है, जिसमें से हमारे छत्तीसगढ़ में इन 100 जिलों में से 10 जिलों का चयन किया गया है। 10 जिले कौन कौन से है? सात बस्तर मतलब बस्तर संभाग के 7 जिले कौन कौन से? कांकेर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, ये 7 जिले बस्तर संभाग के। 8वां है आपका राजनांदगांव, 9वां है आपका महासमुंद और 10वां है आपका कोरबा। ऐसे ही याद रखिएगा, पूरे के पूरे 10 जिले को रटने की जरूरत नहीं है। 7 जिले बस्तर संभाग के, एक है महासमुंद, एक है कोरबा, एक है राजनांदगांव, ऐसे याद रखेंगे तो जल्दी याद होगा। ठीक, तो छत्तीसगढ़ के 10 जिले जिन्हें जल जीवन मिशन के अंतर्गत चिन्हित किया गया है, इस केंद्रीय बजट में, इस बार का जो आपका बजट प्रस्तुत किया गया, बजट 2020-21, इसमें आपके ये जो आपके जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो पानी की समस्या से ग्रस्त जो 100 जिले हैं उनके लिए 3.06 लाख करोड़, यानी 3.6 लाख करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इसी जल जीवन मिशन के अंतर्गत एक अनुमान बताया गया है कि पानी की घरेलू खपत है हमारे देश में 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, यानी एक व्यक्ति एक दिन में लगभग 135 लीटर पानी का यूज़ कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पर्टिकुलर आप किसी एक घर के ही व्यक्ति के बात किया जा रहा है, इसमें जो कमर्शियल यूज़ होता है उसकी ही बात की जाती है, तो उसका ओवरऑल एक एवरेज है कि एक व्यक्ति एक दिन में लगभग 135 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन यूज करता है सामान्य परिस्थिति में। ठीक है, सामान्य परिस्थिति की यहां बात की जा रही है। ठीक, देखिए नेक्स्ट है तितली की नई प्रजाति। हमारे प्रदेश में तितली की 22 नई प्रजाति पाई गई है। इसके साथ ही हमारे प्रदेश में तितली की कुल प्रजाति हो गई है 159, यानी 159। हमारे प्रदेश में तितली की 159 प्रजाति हो चुकी है। अभी हाल फिलहाल में 22 नई प्रजाति और मिली है। इस 22 नई प्रजाति मिलने के बाद प्रदेश में तितलियों की कुल संख्या हो गई है 159। यदि हम बात करें हमारे प्रदेश में जो तितली बहुल क्षेत्र कौन सा है, ये है आपके जशपुर नगर तितली बहुल क्षेत्र है। ठीक, नेक्स्ट देखिए निधन। अभी हाल फिलहाल में कुछ व्यक्ति विशेष का निधन हुआ है, उनको देख लीजिए। पहले नंबर पर है आपके अंबिकापुर रियासत की राजमाता। आप सभी को मालूम है छत्तीसगढ़ में रियासत जो हुआ करते थे उनमें फिलहाल ये राजा महाराजा वाला जो सिस्टम है उसे काफ़ी पहले ही हटा दिया गया था, जब भारतीय संघ में हमारे जितने भी रियासत है उनका विलय हुआ था। लेकिन फिलहाल अभी भी राजमाता वाली परंपरा वहां पे चलते आ रही थी। तो अंबिकापुर रियासत की जो राजमाता है देवेंद्र कुमारी जो हमारे छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री TS सिंहदेव की माता जी है। ठीक, TS सिंहदेव जी की माता जी तथा अंबिकापुर रियासत की राजमाता देवेंद्र कुमारी का हाल ही में निधन हुआ। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए देवेंद्र कुमारी संबंधित है अंबिकापुर रियासत, छुई खदान रियासत, ऐसे करके 4-5 ऑप्शन देता है, तो ध्यान रखिएगा देवेंद्र कुमारी जिनका हाल ही में निधन हुआ उनका संबंध है अंबिकापुर रियासत से। ठीक, छुई खदान रियासत की राजमाता जिनका हाल फिलहाल में निधन हुआ है वो है आपके विजय लक्ष्मी देवी जो कि छुई खदान रियासत से संबंधित थी, उनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ठीक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनका नाम है, ये पद्मश्री से भी सम्मानित थे, पद्मश्री महादेव प्रसाद पांडे जिनका हाल ही में निधन हुआ, जो कि आपके एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ठीक, तो जितने भी डाटा बताए सारे के सारा डाटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी प्रकार का डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, किसी को भी डेमो क्लास चाहिए 26 फरवरी को डेमो क्लास ले सकता है। 3-4 डेज का हम डेमो क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से क्लासेस स्टार्ट होगी, एक नई बैच मेंस की बैच हम स्टार्ट कर देंगे आपके 2 मार्च से। ठीक, तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। किसी प्रकार का डाउट हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।